हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्मॉल गार्डन में। फ्रेंड्स, ये जो खूबसूरत सी पत्तियों को आप देख रहे हैं, ये अरबी प्लांट की पत्तियां हैं। इसके नीचे जो ट्यूबर बनता है सॉइल के अंदर, उसे अरबी कहते हैं, टैरो रूट्स भी कहा जाता है। और जो ट्यूबर बनता है वो इस तरह का होता है, इसे आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इसकी सब्जी बनाई जाती है जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है और फायदेमंद भी होता है। इनकी पत्तियों को भी फ्रेंड्स बेसन का लेप लगाकर पकौड़े और सब्जी बनाई जाती है जो काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। वैसे भी हरे पत्तेदार सब्जी तो फायदेमंद होती ही है, तो फ्रेंड्स मिला जुला कर इसका हर पार्ट्स को हम खा सकते हैं। और इसे लगाना जो है बिल्कुल ही आसान है, इसे हम मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक कभी भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे लगाने के लिए हमें कुछ इस तरह से अरवी चाहिए जो हम मार्केट से सब्जी बनाने के लिए लाते हैं, ये वही वाले अरवी हैं। तो मेरे पास तो कुछ बड़े प्रजाति का है और कुछ छोटे प्रजाति का है, तो इसे कोई बात नहीं है, लगाना एक ही तरह से है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जब हम मिट्टी तैयार करेंगे तो भुरभुरी और हल्की होनी चाहिए। तो देखिए मेरी मिट्टी जो है इस तरह से है। और फ्रेंड्स, जब हम पॉट का चुनाव करें तो थोड़ा गहरा और खुले मुंह का पॉट का चुनाव करें। तो अभी जो मैं लगाने वाली हूँ कुछ इस तरह का पॉट है, इसे आप देख सकते हैं। ये एक दूध का ट्रे है फ्रेंड्स, तो ये परफेक्ट है अरवी के लिए। और गहराई फ्रेंड्स इतनी होनी चाहिए कि जितना जो है हमारा अरवी की लंबाई है, तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए इसमें परफेक्ट फिट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा वाला है, छोटा वाला तो खैर आ ही जाएगा, तो हम बड़े वाले से ऐसे नाप लेते हैं। तो देखिए, तो इस तरह से हमें गहराई वाला लेना है। फ्रेंड्स, इसकी जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया है, इसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल लिया है, 30% रेत लिया है और 20% घर की बनी खाद। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी मिला सकते हैं और इसे मिक्स करके इस पॉट में भर ले। मैंने पहले से ही बना रखा है फ्रेंड्स, बारिश के कारण जो है मेरा सॉइल जो है भींग चुका है, तो मैं इसे बनाते हुए नहीं दिखा पाई। तो मैं इसी में ऐसे लगा दूंगी, पहले इस तरह से इसकी गुड़ाई कर देंगे। जरूरी नहीं है कि हम इसमें ढेर सारा ही अरबी लगाएं, आप दो चार भी लगा सकते हैं। मैंने भी जो है फ्रेंड्स उसमें पिछले साल दो अरबी ही लगाया था, तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितने सारे प्लांट निकल गए हैं। उसका जो है खुद उसका जो ट्यूबर होता है वो खुद ही मल्टीप्लाई होते रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे लगाते हैं। तो इस तरह से मिट्टी तो सॉफ्ट है ही, तो हम इस तरह से इसमें ऐसे अभी हमने इसे पूरा अंदर नहीं किया है, फिर हम बाद में जो है ऊपर से मिट्टी थोड़ा सा डाल देंगे, इसे इसे क्या हो गया ढक जाएगा। तो कुछ कुछ दूरी पर फ्रेंड्स हमको हम इसे लगा देंगे। अरवी जो है फ्रेंड्स ये जो हॉट और ह्यूमिड वेदर में अच्छा ग्रो करता है, तो जब इसकी पत्तियां निकल आए तो इसे सेमी शेड एरिया में ही रखे, जहाँ जो है तेज धूप डायरेक्ट इस पर नहीं पड़े, तभी अच्छा ग्रो करता है। इसमें जब ढेर सारी पत्तियां निकल आए और 4-5 महीने बाद जब ये नेचुरल रूप से इसकी पत्तियां जो है पीली होकर के सूख जाती हैं, तो आप चाहे तो अरवी को निकाल सकते हैं। और अगर नहीं निकालें तो कोई बात नहीं, अगले सीजन जो है फिर से यह ग्रो करने लगता है। और फ्रेंड्स, दूरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका जो ट्यूबर है वो मल्टीप्लाई होता है, तो इसके लिए जो है हमें स्पेस रखना जरूरी है। और ये भी ध्यान देना है फ्रेंड्स कि पॉट में ड्रेनेज अच्छा बना होना चाहिए। मैंने भी इसमें 3-4 होल कर रखा है, तो इसका भी जो है आपको ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर परवल का बीज डाल दिया था, तो ये जो है परवल निकल आया है। गीली मिट्टी है ये तो मेरा, ये सब जो मैंने लगाया है पहले वो सब बड़े वाले किस्म का है, देख रहे आप लंबी लंबी है, काफी लंबी है।
तीन चार। फ्रेंड्स एक चीज बताना मैं भूल गई कि देखिए मैं ये उखाड़ के फिर से आपको दिखा रही हूँ। इसे जो है ये वाला साइड जो है ये ऊपर की ओर रखेंगे और ये जो है नीचे की ओर। किसी किसी में जो है इस तरह से जर्मिनेट जर्मिनेशन हो चुका रहता है तो ये आसानी रहता है पहचानने में, ये ग्रीन ग्रीन जो आप देख रहे हैं। लेकिन जिसमें जर्मिनेशन नहीं होता है उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ रहता है ऊपर वाला पार्ट और ये जो है मिट्टी के अंदर जाएगा, ये नुकीला जैसा रहता है थोड़ा। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि मिट्टी तो काफ़ी भींगी हुई है और वेट करते हैं इसके जर्मिनेशन का। इस तरह से मिट्टी को थोड़ा सा इस तरह से मिला देंगे ताकि जो वो कवर हो जाए। मिट्टी गीला होने के कारण जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। तो अब देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो है कवर हो चुका है। बाद में मिट्टी अगर धंस जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिट्टी और ऊपर से सूखी मिट्टी जो है ऐसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स 15 दिन हो गए हैं, देखिए अरवी में जो है जर्मिनेशन शुरू हो चुका है। 2 अरवी हमारी जो है जर्मिनेट कर गई है, आप देख रहे हैं। और ये 25 दिन बाद का दृश्य है, आप देख रहे हैं पत्ते कुछ बड़े हो गए हैं। और 1 महीने बाद की ग्रोथ है फ्रेंड्स, देखिए कितनी सारी पत्तियां निकल चुकी हैं और बाकी जो बचे हुए अरवी थे वो भी जर्मिनेट होने लगे हैं। फ्रेंड्स ये पूरे 1.5 महीने बाद का सीन है, जब मैंने अरवी लगाया था तो उसमें 1 जुलाई था और अभी जो है 14 अगस्त चल रहा है। तो देखिए पत्तियाँ कितनी बड़ी हो गई और कितने खूबसूरत लग रहे हैं और काफ़ी हेल्दी भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।